वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 14 फॉर क्लास 10th एंड शेड्यूल 5 अगस्त 2020। और लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो खनिज लवण है, यानी खनिज लवण यानी NaCl, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें मिलता है, उससे किस तरह अलग अलग रसायन हम प्राप्त कर सकती हैं। सो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। सो Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी एंड Cl2 फॉर क्लोराइड। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए शुष्क बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके ऊपर अगर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से रहेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर गुण देखेंगे, तो गुण क्या होंगे, व्यंजक चूर्ण जो है वो हल्के पीले रंग का पाउडर है, ठीक है, पानी में आसानी से घुल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उपयोग क्या क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारी डेली लाइफ में। सो इसमें देखिए सबसे पहला उपयोग क्या है कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, यानी कपड़ों का जो ब्लीच किया जाता है वो भी ब्लीचिंग पाउडर से किया जाता है। इसके अंदर क्लोरीन जो है उसकी एकदम तीखी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। नेक्स्ट, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, सो कागज़ से जो है, कागज़ की जो ब्लीचिंग की जाती है वो भी विरंजक चूर्ण से ही की जाती है। नेक्स्ट, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपचायक, अपचायक, ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, पीने वाले पानी के रोगाणु नाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर, तो देखिए बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग सोडा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। इसका फॉर्मूला होगा, आप लिख कर देखिए, NaHCO3। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है क्या है, जब हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं, यानी कोई भी अम्ल जिसको हम खा सकते हैं वो मिलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। यानी NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक अम्ल इसके अंदर मिला दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण होता है। सो इसमें सोडियम क्लोराइड यानी लवण, जो खनिज लवण है उसका प्रयोग किया जाता है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इनको मिलाने से जो बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल डाल दे तो ये बेकिंग पाउडर बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला के बेकिंग पाउडर बनाने की ज़रूरत क्या है, तो देखिए NaHCO3 जो बेकिंग सोडा है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये Na2CO3 में टूट जाता है, और Na2CO3 ये एक कड़वा शार्क है, जिसके कारण जब हम इसको खाने में डालते हैं तो ये जो है खाने को कड़वा बना सकता है। इसलिए उस कड़वेपन को, उस शार्क के शार्कीय प्रभाव को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अब हम करेंगे बेकिंग सोडे के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। सो बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, यह एक एंटासिड की तरह काम करता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होती हैं, ठीक है, जिनको आग बुझाने वाले यंत्र जिनको हम कहेंगे,
उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। खस्ता पकोड़े बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और खाने को जल्दी पकाने के लिए भी थोड़ा सा जो है एक चुटकी बेकिंग अगर सोडा डाल देते हैं तो खाना जो है वो जल्दी पकता है। नेक्स्ट, धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O। इसमें ये 10 क्या है? ये 10 जो है क्रिस्टलन का जल इसको हम बोलते हैं, या अणु जो है अणु जल इसको हम बोलेंगे, अणु के जल या क्रिस्टलन का जल, ठीक है। अब ये प्राप्त कैसे किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडे को गर्म करने पर ये बनता है सोडियम कार्बोनेट के, फिर उसके क्या किया जाता है, पुनः उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। यानी पहले आपने देखा होगा ऊपर हमने अभिक्रिया बताई आपको किस प्रकार जो है Na2CO3 बनता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा पहले सोडियम क्लोराइड से, उसके बाद बाइकार्बोनेट उसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टलीकरण यानी इसके अंदर पानी के जो जल के अणु हैं वो मिलाए जाते हैं 10, जिसके कारण ये क्या बनता है, Na2CO3 10H2O ये बन जाता है, और आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये वायु से नमी को अवशोषित कर लेता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है धोने का सोडा, ठीक है। इसके उपयोग क्या क्या होंगे, बोरेक्स के उत्पादन में, साथ ही कांच साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है साफ सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि कौन सा ऐसा सोडियम जो है आप कह सकते हो सोडियम और ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सोडियम कार्बोनेट है यानी धोने का सोडा वो जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों और आप इजीली उन क्वेश्चंस का जो है इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और सभी के आंसर इस वर्कशीट के अंदर ही हैं, इसलिए अलग से बताने की अलग से लिख के दिखाने की कोई ऐसी नीड नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा इनके रासायनिक नाम और इनके सूत्र आपको लिखने हैं। बेकिंग सोडा यानी इनका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सूत्र बेकिंग सोडे का क्या होगा, NaHCO3, और धोने का सोडा क्या होगा, Na2CO3 10H2O, इसका रासायनिक जो है सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, धोने का सोडा इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये जो है धोने के सोडे की आपकी अभिक्रियाएं हैं, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर लिख सकते हो, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखे जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है, तो देखिए उसका रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है, वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी विरंजक चूरण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूरण ये इसका सूत्र हो गया। ये हल्के पीले रंग का होता है और क्लोरीन की गंध देता है। जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है, क्या ये कथन सही है, तो ये कथन सही नहीं है। जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला रासायनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर है। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।